हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू साइकिल प्योर अगरबत्ती। महाराज शत्रुघ्न, मथुरा राज्य के प्रजा आपका अभिनंदन करती है। आज तक मथुरावासी लवणासुर जैसे आतिताई शासक के द्वारा पीड़ित थे। आज इस राज्य के आकाश में सूर्यवंश की पताका को फहराने से जैसे सारी प्रजा को अभिदान मिल गया है कि अब मथुरा में भी अयोध्या के राम राज्य की भांति शांति, सुख और समृद्धि का विकास होगा। समस्त ऋषि समाज भी आश्वस्त हो गया है कि अब इस राज्य में सबको अपने अपने धर्म के अनुसार कर्म करने की स्वतंत्रता होगी। समस्त वर्णों, जातियों, नागरिकों, वन में रहने वाले इस प्रदेश के पशु पक्षियों और यहां की वनस्पतियों की रक्षा का उत्तरदायित्व अब आपको सौंपते हुए आपका राज तिलक करके मथुरा के राज मुकुट से आपको सुशोभित करता हूं। कल्याण हो।
ये देखो तुम्हारे चाचा ने तुम्हें याद रखा है। कुछ बताया शत्रुघ्न ने युद्ध कैसे जीता? नहीं, वो दूत अयोध्या जाने की जल्दी में था। मैं तुम्हें फिर किसी दिन विस्तार पूर्वक पूरी बातें सुना दूंगा। लवणासुर का संहार और मथुरा पर विसूर्यवंश का राज स्थापित होना केवल आपके श्री चरणों के प्रताप से ही संभव हो सका। सारी प्रजा बहुत प्रसन्न है। वह एक अत्याचारी के चुंगल से निकलकर जैसे स्वतंत्रता की सांस ले रहे हैं। ऋषि समाज की ओर से महर्षि चवन स्वयं आशीर्वाद देने आए थे। महाराज से मेरी एक ही प्रार्थना है कि मुझे अनुभवहीन जानकर मेरी और विशेष कृपा दृष्टि रखें और निरंतर विद्वान मंत्रियों को भेजकर मेरा मार्गदर्शन करते रहें। मैं श्री चरणों से बहुत दूर हूं, परंतु मुझे हृदय से दूर न रखें। प्रणाम। लक्ष्मण, यह शत्रुघ्न की पहली विजय है। अयोध्या में दीप माला की जाए। शत्रुघ्न, भाभी का कितना लाडला था, आज वह यह सुनती तो कितनी प्रसन्न होती। वो जहां भी होंगी सुन तो लेंगी ही और प्रसन्न भी होंगी। वास्तव में शत्रुघ्न की विजय उन्हीं के आशीर्वाद से तो हुई है। लो पुत्री। बस मां, अब और नहीं। पुत्री, जब दूध पीता बालक गोद में हो तो माता को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, खूब पौष्टिक भोजन खाना चाहिए। लेकिन मां, मैं तो कितना खाती हूँ। कहाँ खाती हो, लो बस एक और खा लो। नहीं मां, बस अब और नहीं। मैं एक और खा लो, खा लो, खा लो। मैंने दूध गर्म करने को रख दिया है, रात को पी लेना। अच्छा, मैं चंद्रप्रभा और कीर्ति बाला को देखती हूँ। न जाने लव कुश को लेकर कहाँ चली गई है। कह रही थी गुरुदेव को प्रणाम कराने ले जा रही है। अच्छा। गुदगुदी होती है। ये ले तोता। तोता लाओ, लाओ उधर देख, गुरुदेव के पास तोता है। तोता तोता, अब इन्हें नींद आ रही है, इन्हें वन देवी के पास ले जाओ। अच्छा गुरुदेव। सुखी रहो। गुरुदेव, वनदेवी ने कहा था गुरुदेव को लव और कुश से भी प्रणाम करा देना, सो गुरुदेव इनका भी प्रणाम स्वीकार करें। यशस्वी हो। भारद्वाज। जी गुरुदेव। लगता है ये दोनों बालक हमें अपने मोह के जाल में फंसा लेंगे।
जैसी प्रभु की इच्छा। वाह, क्या लीला कर रहे हैं। बंदे भी गुरुदेव ने कहा है इन्हें सुला देना। मैं इसे पालने में सुला दूं? नहीं, यहीं दे दो मुझे। पहले थोड़ी नींद में आ जाए, फिर मैंने पालने में लिटा दूंगी। जागते हुए को पालने में डालती हूँ तो एक दूसरे के आंख में उंगली डालते हैं और फिर जोर जोर से रोते हैं। ये छोटा बड़ा नटखट है, कुछ तो धीरज वाला है, बड़ा धीरज वाला है। नृप्रभा। आई माता जी। अच्छा, प्रणाम वनदेवी। जीती रहो। छोटा बहुत नटखट है और कुछ बड़ा धीरज वाला। ठीक ही तो है, बड़े भाई को ऐसा ही होना चाहिए। सोचा। तू भी सोचा। Oh.
सखी को तनिक सहना दे, देखे स्वप्न खिलौने मेरे नन्हों को बहला दे। कजरा बन के नैनों में समा जा निंदिया, निंदिया रानी आ रे, आ जा निंदिया, आ जा निंदिया, निंदिया रानी आ रे, त्रिकालदर्शी समस्त ज्ञाता, जन्म पत्रिका बना रहे हैं। जो ग्रह से वंचित हैं, उनके किस ग्रह में कौन सा ग्रह बता रहे हैं। ललाट लेखा जो है देखा, उसे भी मुनिवर दिखा रहे हैं। समझ न पाए सिया के गुरु क्या पहेलियां सी बुझा रहे। ये आप साधारण ज्योतिषियों की भांति क्या बता रहे हैं? मैंने तो सुना है कि आपको सब पता होता है, आपने तो भविष्य का भी लिख रखा है। लिख रखा है, परंतु उसे समय पर ही प्रकट होना चाहिए। फिर ज्योतिष की भविष्यवाणी का क्या लाभ? इतना ही कि मनुष्य में सामना करने का साहस रहता है। उसे पता हो कि इस अंधेरे के उस पार रोशनी है तो वो चलता रहता है। ये विश्वास बड़ा सहारा है। विश्वास की लाठी टेकता हुआ मानव आगे चलता रहता है, घबराकर गिरता नहीं। यही विश्वास प्रभु की भक्ति में हो तो इसका भी यही लाभ है।
पुत्री, जिन्हें प्रभु पर विश्वास है उन भक्तों को ज्योतिष की क्या आवश्यकता? उनकी रक्षा तो प्रभु स्वयं एक मां की भांति करते रहते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीता राम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, की प्यास बुझत न बुझा।